हेलो एवरीवन, कल हमने पढ़ा था फ्लूइड के बारे में। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे जिसमें कि कैटायन, एनायन और उनका बॉडी के अंदर क्या रोल है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डायग्राम दे रखा है उसके अंदर कैटायन और एनायन, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो सबसे पहली जो पर्पल कलर लाइन जो दे रखी है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बता रही है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो एक्स्ट्रा कैटायन या सबसे ज़्यादा जो कैटायन पाया जाता है वो होता है सोडियम। सेकेंड जाता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो ग्रीन कलर की जो लाइन बनी हुई है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो कैटायंस होते हैं उनको डिनोट कर रही है। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। इसके बाद में जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सेकेंड कैटायन एनायन जो होता है वो ज़्यादा होता है क्लोराइड, और इंट्रा सेलुलर के अंदर होता है फॉस्फेट। ये सारे हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, सोडियम का जो सोडियम होता है वो 1+ होता है। ये प्री डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है, प्री डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है जिसकी 136 से 145 मिली इक्विलेंट पर लीटर पाया जाता है पेयर्स विद, और ये जो पेयर बनाता है वो बनाता है एक तो क्लोराइड के साथ, एक बाइकार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइज चार्ज, और चार्ज को न्यूट्रलाइज करके पेयर बनाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयन इन वाटर बैलेंस। वाटर को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आयन होता है सोडियम, इम्पॉर्टेंट इन नर्व एंड मसल फंक्शंस। नर्व और मसल्स के फंक्शन को भी रेगुलेट करने के लिए सोडियम आयन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रीएब्सॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल रेगुलेटेड बाई एल्डोस्टिरॉन, रेनिन या एंजियोटेंसिन, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड ANP। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हम पढ़ेंगे पोटेशियम। पोटेशियम बैलेंस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पोटेशियम क्या होता है, मेजर इंट्रा सेलुलर कैटायन होता है। जो सोडियम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है मेजर, और पोटेशियम होगा वो मेजर इंट्रा सेलुलर कैटायन होगा। इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो है 150 से 160 मिली इक्विलेंट पर लीटर। रेगुलेट करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेगुलेट करेगा, फ्लूड आयन और बैलेंस को रेगुलेट करेगा इनसाइड सेल, सेल के अंदर, क्योंकि ये इंट्रा सेलुलर कैटायन है। ठीक है, इसके बाद होता है रेगुलेशन इन किडनी थ्रू एल्डोस्टेरोन और इंसुलिन, उनको भी क्लोराइड है Cl- है जो कि मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन है जो हमने डायग्राम में देखा था। इसकी ऑस्मोलैरिटी 105 मिली इक्विलेंट पर लीटर। रेगुलेट करता है टॉनिसिटी को और रीअब्सॉर्ब इन द किडनी विद सोडियम, किडनी के साथ रीअब्सॉर्ब होता है विद सोडियम, सोडियम के साथ रीअब्सॉर्ब इन द किडनी, किडनी के अंदर रीअब्सॉर्ब होगा सोडियम के साथ जुड़ के। रेगुलेशन इन किडनी थ्रू रीअब्सॉर्प्शन विद सोडियम, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद बाइकार्बोनेट। रीअब्सॉर्प्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रीअब्सॉर्प्शन होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद बाइकार्बोनेट होगा। सोडियम होम्योस्टेसिस, नॉर्मल डाइट्री इंटेक होगा 6 से 15 ग्राम पर डे। नॉर्मल जो डाइट्री इंटेक होगा वो कितना होगा, 6 से 15 ग्राम पर डे होगा सोडियम का, और सोडियम इन एक्सक्रीटेड इन यूरिन स्टूल एंड स्वेट। सोडियम एक्सक्रीट होगा यूरिन के अंदर, स्टूल के अंदर और स्वेट के अंदर। यूरिनरी लॉसेज आर टाइटली रेगुलेटेड बाई रीनल मैकेनिज्म, यूरिनरी लॉस होगा वो टाइटली रेगुलेट होगा रीनल मैकेनिज्म से। सोडियम एबनॉर्मेलिटीज़, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोडियम एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर हाइपर नेट्रीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, नेट्रीमिया मतलब सोडियम, सोडियम की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होना हाइपर नेट्रीमिया कहलाता है।
डिफाइंड एज अ सीरम सोडियम कंसनट्रेशन दैट एक्सीड 150 मिली इक्विलेंट पर लीटर. सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 136 से 140 मिली इक्विलेंट थी, और अब सीरम सोडियम जो कंसनट्रेशन है ये बोल रहा है कि 150 मिली इक्विलेंट से भी ज़्यादा अगर है तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है. इसकी इटियोलॉजी क्या होगी हाइपरनेट्रीमिया की, कि 150 मिली इक्विलेंट से ज़्यादा होना सोडियम की वैल्यू, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं. एक तो एक्सेसिव साल्ट इनटेक हो रहा है अगर बॉडी के अंदर, अगर कोई व्यक्ति एक्सेसिव साल्ट का इनटेक कर रहा है या एक्सेसिव उसकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है या रिड्यूस्ड करता है साल्ट एक्सक्रीशन को, रिड्यूस करता है वाटर इनटेक को, एडमिनिस्टर ऑफ लूप डायूरेटिक्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लॉसेस, ये सारी चीज़ें हैं वो कारण हैं, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया के. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, रीस्टोर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम विद आइसोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन. रीस्टोर करेगा सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को और विद आइसोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन से. नेक्स्ट आता है आफ्टर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम करेक्शन हाइपरनेट्रीमिया इज करेक्टेड यूजिंग फ्री वाटर. नेक्स्ट आएगा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो मतलब कम, नेट्रीमिया यानी कि सोडियम नॉर्मल वैल्यू से कम होना, ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 135, सीरम सोडियम कंसनट्रेशन लेस देन 135 मिली इक्विलेंट पर लीटर. रीनल लॉस इज कॉज्ड बाय डायूरेटिक एक्सेस ऑस्मोटिक डायूरेटिक साल्ट वास्टिंग नेफ्रोपैथी एड्रिनल इनसफिशियंसी प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड स्यूडो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म रिजल्ट इन अ यूरिन सोडियम कंसनट्रेशन ग्रेटर देन 20 मिली इक्विलेंट पर लीटर. रीनल से लॉस होगा ये सारा. देन अगला पॉइंट आता है एक्सटर्नल लॉसेस. एक्सटर्नल लॉसेस कैसे होगा, वॉमिटिंग डायरिया श्वेट एंड थर्ड स्पेसिंग रिजल्ट इन अ यूरिन सोडियम कंसनट्रेशन लेस देन 20 मिली इक्विलेंट पर लीटर. इसके कॉज क्या होंगे, डाइल्यूटिंग कैपेसिटी से. ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्री में क्या होगा, करेक्ट सीरम सोडियम बाय 1 मिली इक्विलेंट पर लीटर पर आवर और यूज़ करेंगे 3% सेलाइन इन सीवियर हाइपोनेट्रीमिया. सीवियर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में 3% सेलाइन यूज़ NS यूज़ करेंगे. गोल इज सीरम सोडियम 130, इसका गोल होगा सीरम सोडियम को 130 तक पहुंचाना. इसके बाद आता है हाइपोक्लोरीमिया. हाइपोक्लोरीमिया मतलब क्लोरीन की वैल्यू नॉर्मल से कम होना, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम गैस्ट्रिक लॉसेस. और दूसरा आएगा ऑफन प्रेजेंट एज अ कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया सोडियम रिटेन्ड एंड H+ वास्टेड इन द किडनी. थर्ड आएगा ट्रीटमेंट क्या होगा, रीसक्सिटेशन विद नॉर्मल सेलाइन. नॉर्मल सेलाइन के साथ रीसक्सिटेशन करेंगे. हाइपरक्लोरीमिया यानी कि क्लोरीन की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम ओवर रीसक्सिटेशन विद नॉर्मल सेलाइन. नॉर्मल सेलाइन के साथ ओवर रीसक्सिटेशन अगर मोस्ट करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज हो गया और ऑफन प्रेजेंट एज हाइपरक्लोरीमिक एसिडीमिया विद पैराडॉक्सिकल एल्किलूरिया. इसकी रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप नॉर्मल सेलाइन एंड रिप्लेस विद हाइपोटोनिक क्रिस्टलॉइड. हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया में पोटेशियम का जो लेवल होगा वो नॉर्मल से कम यानी कि लेस देन 3.5 मिली इक्विलेंट पर लीटर. कॉज क्या होंगे हाइपोकैलीमिया के, डिक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम. पोटेशियम का इनटेक अगर कम हो रहा है तो पोटेशियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो क्रॉनिक डायूरेटिक्स है, तो सीवियर वॉमिटिंग या डायरिया है, एसिडी या ECF यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड. नेक्स्ट आता है हाइपरकैलीमिया. हाइपरकैलीमिया मतलब पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा यानी कि ग्रेटर देन 5.5 मिली इक्विलेंट पर लीटर. हाइपरकैलीमिया का मैनेजमेंट क्या होगा, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड. दूसरा आएगा इंसुलिन 0.1 U/kg/hr एंड IV ग्लूकोज
और लेसिक्स 1 mg/kg इफ रीनल फंक्शन इज नॉर्मल। सेकेंड आता है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया मतलब पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम होना, यानी कि लेस देन 3.5 mEq/L। इटियोलॉजी क्या होगी? GI लॉसेस फ्रॉम वॉमिटिंग, डायरिया एंड फिस्टूला एंड यूज ऑफ डायूरेटिक्स। GI लॉसेस होंगे फ्रॉम वॉमिटिंग के थ्रू, डायरिया के थ्रू एंड फिस्टूला के थ्रू, एंड यूज करेंगे डायूरेटिक्स का। ट्रीटमेंट क्या होगा? करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन। सेकेंड आएगा के शुड बी गिवन ओरली अनलेस सीवियर, यानी कि लेस देन 2.5 mEq/L। पेशेंट इज सिम्टोमेटिक और द एंट्रल रूट इज कंट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट आएगा ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट क्या होगा? 60 to 80 mEq/L। कपल्ड विद नॉर्मल डाइट इज सफिशियंट। ECG मॉनिटरिंग अलॉन्ग विद फ्रिक्वेंट असेसमेंट इज सीरम पोटेशियम लेवल इज रिक्वायर्ड। कैल्शियम होम्योस्टेसिस क्या होगा? बॉडी कंटेन अप्रॉक्स 1400 ग्राम ऑफ कैल्शियम। बॉडी अप्रॉक्स 1400 ग्राम कैल्शियम होता है बॉडी के अंदर। रिडक्शन इन कैल्शियम लेवल कैल्शियम के लेवल में रिडक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है कैल्शियम के रिजॉर्प्शन को बोन से। इट इंक्रीज कैल्शियम रिजॉर्प्शन एंड स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी दैट इंक्रीज गट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑन द बोन। इंक्रीज करता है कैल्शियम के रिजॉर्प्शन को और स्टिम्युलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी दैट इंक्रीज गट रिजॉर्प्शन फ्रॉम एलिमेंटल कैल्शियम एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द बोन। कैल्शियम एबनॉर्मलिटी किसमें आएगा? हाइपरकैलीमिया, जो कि आयोनाइज्ड कैल्शियम कंसनट्रेशन है जो कि हाइपर यानी कि 5.3 mEq/dL से भी ज़्यादा। इसके कॉज क्या होंगे? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, कैंसर, पगेट्स डिजीज। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, थियाजिड डायूरेटिक्स और फियोक्रोमेटोसाइटोमा। इसका ट्रीटमेंट हो गया सीवियर हाइपरकैल्शीमिया का इनिशियल सपोर्टिव थेरेपी इंक्लूड फ्रूसोमाइड टू इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। दूसरा है कैल्सिटोनिन, रिड्यूस बोन रिजॉर्प्शन एंड हैज एन इमीडिएट इफेक्ट एंड लास्ट फॉर 48 आवर्स। प्रोलोंगेशन कैन बी डन बाई यूजिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हाइपोकैल्शीमिया में क्या होगा? आयोनाइज्ड कैल्शियम कंसनट्रेशन होगी वो लेस देन 4.4 mg/dL से कम होगी। इटियोलॉजी क्या होगी? एक तो पैराथायरॉयड और थायरॉयड सर्जरी हुई हो तो, या सीवियर पैनक्रेटाइटिस हो तो, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो, या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। ट्रीटमेंट क्या होगा? ए सिम्टोमेटिक होगा कैल्शियम एलिमेंटल कैल्शियम ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 minutes। सब्सिक्वेंटली अ कैल्शियम इन्फ्यूजन ऑफ 0.5 to 2 mg/kg/h इज गिवन। फॉस्फेट होम्योस्टेसिस में आएगा डाइट्री इंटेक 800 से 1200 mg/day रीअब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम। जेजुनम के अंदर रीअब्जॉर्ब होगा ड्यूडेनम, जेजुनम, ईलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और किडनी एक्ट एज अ प्रिंसिपल रेगुलेटर। नॉर्मल सीरम पोटेशियम कंसनट्रेशन इज 2.5 to 4.5 mg/dL। फॉस्फेट एबनॉर्मलिटीज में हाइपरफॉस्फेटीमिया में सीरम फॉस्फेट लेवल 4.5 mg/dL से ज़्यादा। इसके कॉज हो सकते हैं रीनल इनसफिशियंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट इज द अंडरलाइंग रीनल फेलियर। सेकेंड आएगा क्रॉनिक फॉस्फेट बाइंडिंग एंटासिड आर इफेक्टिव एंड एक्यूट एंड स्टेज रीनल डिजीज डायलिसिस इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला सोडियम का अगर एक्सेस हो तो हाइपरनेट्रीमिया, थ्रस्ट, CNS डिट्रियोरेशन, इंक्रीज इंटरस्टाइनल इंटरस्टिशियल फ्लूड, और इसकी कमी हो जाएगी तो हाइपोनेट्रीमिया और CNS डिट्रियोरेशन। पोटेशियम की अगर एक्सेस हो जाए तो हाइपरकैलीमिया,
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ECG चेंजेस, CNS चेंजेस, और अगर कमी हो जाए तो हाइपोकैलेमिया, ब्रैडीकार्डिया, ECG चेंजेस, CNS चेंजेस। इसके बाद में कैल्शियम का अगर एक्सेस तो हाइपोकैल्सीमिया, टिटनी, वास्टट्रोसिव साइन और मसल ट्विचिंग, CNS चेंजेस और ECG चेंजेस। मैग्नीशियम की अगर कम एक्सेस हो जाए तो हाइपर मैग्नीशियमिया, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डिप्रेशन ऑफ CNS, डिप्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, और अगर डेफिशिटी हो जाए तो हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपर एक्टिव DTRs और CNS चेंजेस। एसिड बेस बैलेंस, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।